हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आपके लिए मार्केटिंग से रिलेटेड है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग के टॉपिक के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, मतलब वैसे आपका बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है, सिर्फ प्रोडक्ट पोजिशनिंग के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, कई बार आपने देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में उसकी एक अलग पोजिशन होती है, जो कि कह सकते हैं कि हायर होती है या फिर एक अच्छी इमेज बनी हुई होती है। अब इसके पीछे जो कंपनी है वो बहुत सारे जो है एफर्ट्स करती हैं, बहुत सारे मार्केटिंग टैक्टिक्स करती हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है ऐसी पोजीशन मार्केट में बनाई जा सके कि कस्टमर उनके तरफ लॉयल हो जाए और साथ ही साथ जो है वो देखते ही पहचाने कि हाँ, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस कंपनी का है या फिर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ये खासियत है। तो यहाँ पे उस कंपनी ने जो एक पोजीशन पे अपने प्रोडक्ट को बैठाया है मार्केट में, अपने प्रोडक्ट को जिस पोजीशन पे, जिस वैल्यू पे या फिर जिस अथॉरिटी पे बैठाया है, उसके पीछे वो बहुत सारे काम करती है। और इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में एक इमेज क्रिएट करते हो, एक परसेप्शन क्रिएट करते हो, ताकि कंज्यूमर्स के माइंड में उसको लेकर के अच्छी धारणाएं बन जाएं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटर के जो है कंपैरिजन में उसको देखा जा सके और कहा जा सके कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतरीन है। तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज वॉट, नथिंग इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज एंड परसेप्शन। किस चीज़ का प्रोसेस है? एक आपका ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप इमेज क्रिएट करते हो, परसेप्शन क्रिएट करते हो, किसके बारे में? एक प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी ब्रांड के बारे में, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, ब्रांड भी हो सकता है, इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिटर। किस चीज़ को किसके माइंड में? कस्टमर्स के माइंड में, कंज्यूमर्स के माइंड में, रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर, कि भैया हमारे ये हमारा कॉम्पिटिटर है और उससे बेटर हमारा प्रोडक्ट है। तो ऐसी जब आप इमेज क्रिएट करते हो या परसेप्शन क्रिएट करते हो अपने प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में, अपने कंज्यूमर्स के दिमाग में, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्ट पोजिशनिंग। जो गोल होता है आपका प्रोडक्ट पोजिशनिंग का, वो ये होता है कि आप अपनी जो एक यूनिक एंड कंपीलिंग वैल्यू प्रपोजिशन है, या जो आपको डिफरेंशिएट करती है, जो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, आप उसको जो है अपने टारगेट मार्केट तक जो है अपील कर सको। सो द गोल ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज टू एस्टैब्लिश अ यूनिक एंड कंपीलिंग वैल्यू प्रपोजिशन दैट डिफरेंशिएट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर and appeals to the target customers. Effective product positioning help build brand loyalty, increased customer retention and drive sales. अब अगर आपकी जो product positioning effective है, तो इससे आपको क्या क्या help मिलेगी? Brand loyalty बढ़ेगी। आपने देखा होगा जो Puma, Adidas और ये आपके इस तरीके के brands हैं, इनकी एक अपनी position है, तो यहाँ पे जो भी इनके products लेते हैं वो कहीं ना कहीं इनको brand loyalty की तरफ रहते हैं कि नहीं यार, shoes लेने हैं तो Puma के लेने हैं, इसके लेने हैं। तो increase होता है customer का retention भी, customer ज़्यादा समय तक आप तक टिक के रहते हैं, बिकॉज यू नो कि ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है ब्रांड है, मार्केट में नाम है, और इससे जो है आपकी सेल्स भी ड्राइव होती है। कुछ की एलिमेंट्स जो कि आपके प्रोडक्ट पोजीशनिंग को फॉलो करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। आप पहले क्या करोगे, अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग का, कि आप अपनी टारगेट मार्केट को जो है ढूंढो, कि भैया पहले आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है ये तो डिसाइड कर लो, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को जो है वहां तक लेके जाना और उसको पोजीशन पे बैठाना। सो दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर। आप क्या करोगे, पहले अपनी टारगेट मार्केटिंग पहचानोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानोगे, उसकी नीड्स पहचानोगे, उसके प्रेफरेंसेस पहचानोगे, उसका बिहेवियर पहचानोगे, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू ये समझने में कि उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उस तक जो है अपने यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन तक जो है पहुँचाना है, या कैसे उस तक जो है अपनी ये डिटेल्स कम्युनिकेट करनी है। अब आपने जो है आइडेंटिफाई कर लिया टारगेट मार्केट, नेक्स्ट स्टेप इज डिफाइन द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी कि कैसे जो है आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ तक जो है डिफरेंशिएट करके दिखाओगे अपने कॉम्पिटिटर से। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपके अपने कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में यूनिक है, या फिर जो आप उनसे डिफरेंशिएट करते हो, तो यहाँ पर वो चीज़ आप जो है स्पेसिफाई करोगे, वो वैल्यू स्पेसिफाई करोगे फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। दिस कैन इंक्लूड फीचर्स, उसमें क्या हो सकता है, आपके फीचर्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, प्राइसिंग हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, डिज़ाइन हो सकता है, कन्वीनियंस हो सकता है, या कोई भी अदर फैक्टर्स हो सकता है जो कि
That sets it apart, जो कि आपको दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग करें। तो आपने क्या किया, पहले अपनी मार्केट डिसाइड की, मार्केट को समझा, देखा, पहचाना टारगेट मार्केट को। अब आप क्या करोगे, आपकी जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, जो कि आपकी एक यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट में, आखिर आपका प्रोडक्ट क्यों कॉम्पिटिटर से अलग है, ये बात फिर आप बताते हो अपने इस सेकेंड स्टेप में। ठीक है, द USP शुड बी रेलिवेंट, क्रेडिबल एंड अपीलिंग टू द टारगेट मार्केट। अब ये आपका कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसका कोई रेलिवेंस हो, क्रेडिटेबिलिटी हो, साथ ही साथ जो है टारगेट मार्केट तक जो है अपीलिंग हो सके। नेक्स्ट इज कंडक्ट मार्केट रिसर्च। अब आपने अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने समझ लिया, प्रपोजिशन आपने समझ लिया, अब आप क्या करोगे, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करोगे कि भैया जो इफेक्टिव पोजिशन है एक प्रोडक्ट की, इट इज़ एसेंशियल टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, ये समझने के लिए कि कस्टमर जो का प्रिसेप्शन क्या है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपके कॉम्पिटिटर्स को लेकर के, और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। देखो, आपने अपने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बता दिया, बट आपके लिए ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि मार्केट में अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये चीज़ आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हो, कंडक्ट मार्केट रिसर्च, और उसमें ये सारी चीज़ें जानते हो कि आपका प्रोडक्ट अभी कहाँ पे है, क्या उसका जो है कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर कहाँ स्टैंड कर रहा है, और कुछ पर्टिकुलर डेटा आप वहाँ से मार्केट के ट्रेंड को उठा लेते हो। जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है आपके प्रोडक्ट की और इसकी पोजिशनिंग को लेकर के। नेक्स्ट इज डेवलप अ पोजिशनिंग स्टेटमेंट। अब आपने जो है मार्केट की रिसर्च कर ली, समझ लिया कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी जो है एक कह सकते हो मार्केट में क्या औकात है। ठीक है, वर्ड इज़ नॉट अ राइट वर्ड, बट एक जस्ट आपको समझाने के लिए कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की क्या औकात है, ये आपने जान लिया। अब आप क्या करोगे, डेवलप करोगे एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट। पोजिशनिंग स्टेटमेंट क्या है, ये एक कंसाइज है एंड कंपीलिंग मैसेज है जो कि कम्युनिकेट करता है प्रोडक्ट की यूनिकनेस, वैल्यू प्रपोजिशन टू टारगेट मार्केट। आपने अपनी यूनिकनेस पहचानी थी, समझा था, अब आप उसको क्या करोगे, डेवलप करोगे और उसकी एक स्टेटमेंट बना करके जो है दिखाओगे लोगों को कि भाई ये एक जो कि सिंपल होगा, मेमोरेबल होगा, रेलिवेंट होगा, कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस के लिहाज से होगा। तो यहाँ पे आप अपनी पोजिशनिंग स्टेटमेंट को डेवलप करोगे और फिर अब आप क्या करोगे, उसको कम्युनिकेट करोगे। आपने डेवलप कर ली, अब आप कम्युनिकेट करोगे। फाइनल स्टेप क्या है प्रोडक्ट पोजिशनिंग में, कि आप उसको जो है कम्युनिकेट करोगे अपनी पोजिशनिंग को टारगेट मार्केट तक थ्रू वेरियस मार्केट चैनल, अलग अलग मार्केट चैनल के थ्रू। दिस कैन इंक्लूड कि भैया एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पब्लिक रिलेशन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू, या फिर अदर मार्केटिंग मटेरियल्स के थ्रू। और ये कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी मैसेजिंग होनी चाहिए, यानी कि एक बार मैसेज दे दिया, ऐसा नहीं बार बार आपको जो है कस्टमर तक पिंच करना पड़ेगा, और क्लैरिटी होनी चाहिए मैसेज में। सो यहाँ पे आपका जो है इफेक्टिव प्रोडक्ट पोजिशनिंग में जो है रिक्वायर होता है एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेट मार्केट, कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट की आपकी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, जो कि आपको हेल्प करेगा मेमोरेबल, आपको एक डिस्टिंक्ट प्रोवाइड करेगा एंड मेमोरेबल ब्रांड इमेज बनाएगा और एक आपके ब्रांड को लेकर के पोजिशन बना देगा मार्केट में। और ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाया जाएगा आपका प्रोडक्ट पोजिशनिंग। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट पोजिशनिंग के बारे में जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।